आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तापमान का प्रादेशिक वितरण या तापमान का अक्षांशीय वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, लैटिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का प्रादेशिक वितरण या अक्षांशीय वितरण। लेकिन ये किसके संदर्भ में हमें देखना है? समस्त भूमंडल यानी ग्लोब के संदर्भ में देखना है, पृथ्वी के संदर्भ में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ तक होने वाले परीक्षाओं के क्वेश्चन का संबंध है, तो इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। और जलवायु विज्ञान के बेसिक पार्ट का एक है ये है कि जो सिनेप्टिक जलवायु विज्ञान आगे हम पढ़ेंगे या अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, उसके लिए क्या है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हुए फिर हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जो रीजनल पार्ट आएंगे, जो प्रादेशिक भाग आएंगे, उनके विशेष, कहने का मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं। जो भी जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश आ गया, इक्वेटोरियल रीजन, तो उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, तो इस पर हम अध्ययन करेंगे। और डायग्रामेटिक, कहने का मतलब कि रेखा चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि तापमान का प्रादेशिक वितरण, तो तापमान है और प्रादेशिक वितरण, तो प्रादेशिक का मतलब ये पृथ्वी से संबंधित है, पूरे भूमंडल का। तो तापमान क्या है, टेम्परेचर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, तापमान क्या है, तापमान किसे कहते हैं? अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, कभी शीत ऋतु आएगी, तो जो ऋतुएं आएंगी मानसून के दौरान, मानसून की जो टॉपिक लेंगे वहां पर डिटेल्स लेंगे। लेकिन ऋतुओं का जो हमने क्लासिफिकेशन किया या हम समझते जो है तापमान के आधार पर, जैसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाए तो बोलेंगे तापमान बढ़ेगा, शीत ऋतु कहा जाए तो तापमान घटेगा। तो तापमान क्या है, तो तापमान बढ़ा तो हम क्या महसूस कर रहे हैं, गर्मी। तो इसको एक लाइन में अगर हमें परिभाषित करना है भूगोल विषय के अंतर्गत या पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऊष्मा की माप को हम तापमान कहते हैं, ऊष्मा की माप को तापमान कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ द हीट कॉल्ड टेम्परेचर। अब ये तापमान अंतिमतम रूप से हमें कैसे प्राप्त होता है, इस पर चर्चा आपसे हो चुकी है। आप जानते भी हैं कि तापमान या ऊष्मा का अंतिम स्रोत कौन है, अंतिमतम स्रोत कौन है, अल्टीमेट सोर्स कौन है, सूर्य है। तो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है, और जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में वो ऊष्मा प्रवेश करती है, उसको हमने नाम दिया था सूर्यातप। क्या नाम दिया जाता है, सूर्यातप, इंसुलेशन। अब कितनी मात्रा में तापमान आता है, तो सामान्यतः ये माना गया कि सूर्य की सतह से जो तापमान का उत्सर्जन वहां हो रहा है, उत्सर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य एक खगोलीय पिंड तो है, लेकिन उसमें भौतिक रासायनिक क्रियाएं संपादित हो रही हैं, जिसको हमने नाम किया दिया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उस खगोलीय पिंड से, वो ऊष्मा उसके प्रकाश मंडल से उत्सर्जित हो रही है। किस प्रकार से उत्सर्जित हो रही है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से। कैसे उत्सर्जित हो रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो रेडिएशन हमें प्राप्त होता है, जो विकिरण, वो क्या होता है, लघु तरंग के रूप में। तो काफी चर्चा भी हो चुकी है और आप जानते भी हैं कि जो वस्तु या जो पिंड जितना गर्म होता है, उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों की लंबाई उतनी छोटी होती है, तो शॉर्ट वेवलेंथ है, लेकिन उनकी तीव्रता और आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तीव्रता और आवृत्ति मीन्स इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी। जो प्रकाश मंडल है जहाँ से ये तापमान या ऊष्मा का जो उत्सर्जन हो रहा है,
ये बताया गया कि एक वर्ग इंच से एक मिनट में लगभग 1,00,000 हॉर्स पावर ऊष्मा का वहां से उत्सर्जन हो रहा है, और वो ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करती है, जिसको हमने नाम किया दिया सूर्यातप। तो बताया गया कि जो ऊष्मा जितनी मात्रा सूर्य ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, उसका मात्र 2/1000 भाग ही पृथ्वी प्राप्त करती है, लेकिन वो 2/1000 भाग प्रति मिनट पृथ्वी पर जो पहुंचता है, प्रति मिनट के कहने का मतलब जो 2/1000 भाग पृथ्वी के वायुमंडल और सतह तक पहुंचता है, उसकी मात्रा एक मिनट में यानी प्रति मिनट में लगभग 23 ट्रिलियन हॉर्स पावर है। अगर 23 के ऊपर 12 हम क्या करते हैं, शून्य लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, तो उसको आप कर लेंगे, इतनी ट्रिलियन एक मिनट में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अब ये जो सूर्यातप हमें प्राप्त हुआ, तो जो सूर्यातप हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये नहीं कि पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर, कहने का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर पूर्णतः प्राप्त हो रहा है, एक समान प्राप्त हो रहा है, तो इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। कैसे कैसे कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहले तो जो सूर्य की किरणें हैं उनका सापेक्षिक झुकाव होता है। झुकाव का मुख्य कारण क्या है कि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है और 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, तो जैसे दिन रात आप देखते हो, तो क्या होता है, झुकाव होता है। दिन में की समय देखा जाए तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में झुकाव ज़्यादा होता है, फिर शाम को ज़्यादा होता है, और लगभग दोपहर में लगभग 90 डिग्री के कोण पर सूर्य की किरणें क्या होती आती हैं। तो जब झुकाव ज़्यादा होता है सुबह और सायंकाल में, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उस समय क्षेत्र विशेष में सापेक्षिक स्थिति है परिवर्तित होती है, तो क्षेत्र विशेष में आने वाले सूर्यातप की मात्रा कम होती। इसका कारण ये कि जितना ज़्यादा झुकाव होता है उतनी ही उसी क्रम में उसी अनुपात में सूर्यातप क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो एक तो सूर्य की किरणों का झुकाव प्रभावित किया, दूसरा दिन की अवधि। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सापेक्षिक स्थिति है, ये किसके कारण है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। साल भर जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 365 दिन में एक चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो उसके कारण, तो कभी सूर्य की उत्तरायण में स्थिति उत्तर की ओर होती है, कभी दक्षिण की ओर, तो उस समय जो प्रकाश और दिन की अवधि है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, तो जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु में जैसे 21 जून के आसपास आते आते और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक दिन की अवधि लगभग 14 घंटे हो जाती है। उसी प्रकार से शीत ऋतु में देखा जाए तो रात्रि, जो शीत ऋतु में जो रात्रि काल होता है, रात्रि की अवधि 14 घंटे हो जाती, तो शीत ऋतु में जो सूर्यातप की मात्रा है सापेक्षिक रूप से क्या होगा, कम प्रभावित प्राप्त होगा। इसके साथ साथ वायुमंडल की पारगम्यता, अगर वायुमंडल क्लियर और क्लीन है, धुंधला नहीं है, बादल नहीं है, धूल के कण कम है, तो अधिक क्या आएगा, सूर्यातप आएगा। कम है कहने का मतलब कि पारगम्यता क्या हो गई, मैंने सघन हो गया और सूर्य का प्रकाश उस स्थिति में क्या आएगा, उस स्थिति में कम आएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो हमें पता है कि आप जानते हैं अपसौर उपसौर की स्थिति में भी क्या होगा, ये परिस्थितियां बदलेंगी। अपसूर्य की वो स्थिति है जो कि 4 जुलाई को बनती है और अधिकतम दूरी हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य। उसी प्रकार से 3 जनवरी को न्यूनतम होती है, तो वो स्थिति क्या करती है, प्रभावित करती है, जो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया। सौर कलंक कहने का मतलब वैज्ञानिकों का मानना है, या वहाँ हमने बात भी की थी आपसे, कि प्रत्येक
इलेवन ईयर्स यानी 11 वर्ष के बाद सूर्य के फोटोस्फेरिक पार्ट पर काले काले धब्बे बनते हैं, तो वहाँ जो उसकी रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया में काफ़ी अंतर आता है, तो वह भी सूर्यातप को प्रभावित करता है। तो ये जो कारक आपको बताया गया कि सूर्यातप, जो सूर्यातप पृथ्वी पर आ रहा है, ये निरपेक्ष कारक ही होता है। लेकिन जैसे हम भूसतह पर पहुँच गए, तो भूसतह के ऊपर भी बहुत ऐसे कारक हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करेंगे। पहला कारक जो क्या हो सकता है, अक्षांश। 90 डिग्री अक्षांश पर क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त होता है। शून्य यानी भूमध्य रेखा पर अधिकतम प्राप्त होता है। ये निरपेक्ष कारक में से एक हो गया। इसके बाद जो सागर है, सागर तल से जो सी लेवल है उससे ऊंचाई, अगर सागर तल जीरो हमारा है, सागर तल पर हम हैं, तो यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा कुछ और होगी। जैसे ऊपर चलते चले जाते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है, कम होती चली जाती, इसलिए क्या होता है, तापमान कम होता चला जाता। सूर्यातप तो आएगा लेकिन तापमान क्या होगा, जो हीटिंग कैपेसिटी वो कम होती चली जाती, इसलिए पहाड़ों पर क्या होती है, बर्फ होती। फिर सागर की स्थिति जो हमारी है कि सागर से जो स्थलीय भाग है उनकी दूरी कितनी है, जो सागर के तटवर्ती भाग है वहाँ तापमान में साम्यता देखी जाती है, लेकिन जैसे दूर होते चले जाते हैं विचलन देखा जाता है। फिर इसके बाद जो जल और स्थल का मिलन बिंदु है या उसकी अवस्थिति है, फिर धरातल पर जो ढाल हैं स्थलाकृतियाँ वह भी प्रभावित करते हैं, धरातल की भूगर्भिक संरचना भी प्राप्त करती है, जैसे कहीं रेगिस्तान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पर क्या हो गया, काफ़ी आर्द्र भूमि है, तो ये प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ प्रचलित पौने भी प्रभावित करेगी, महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करेंगी, और वनस्पतियों की उपस्थिति भी उसे क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जहाँ वनस्पतियाँ कम हैं, कहीं ज़्यादा है, तो वह भी क्या करेगी, उसको प्रभावित करेगी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लिया जाए तो मानवीय क्रियाकलाप भी तापमान के वितरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। जो क्लाइमेटिक चेंज के एस्पेक्ट्स हैं, कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन के जो पहलू हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है, मानव की, तो यह भी प्रभावित करते हैं। अब देखो, जो तापमान की जितनी भी मात्रा सूर्यातप के रूप में हमारे पास आई निरपेक्ष रूप से, तो विकिरण के, अब भूसतह पर या वायुमंडल में तो कई माध्यमों से इसका संचरण होता है। विकिरण होगा, संचालन होगा, संवहन होगा, कई विशेष परिस्थितियां होती हैं तो वहां पर तापक्रम व्युत्क्रम होता है, तो ये अनेक परिस्थितियां या कारक जो हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने में क्या कर रहे हैं, प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो जो भूमंडल पर तापमान का वितरण है, जिसको कहा गया कि प्रादेशिक वितरण और अक्षांशीय वितरण, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव की तरफ हम चलते हैं, ऐतिहासिक संदर्श की तरफ। जब वैसे भी हम भौगोलिक विचारधारा का अध्ययन करेंगे तो अलग अलग स्कूल्स पढ़ेंगे, यानी भौगोलिक विचारधारा, ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट यानी यूनानी भौगोलिक विचारधारा, रोमन स्कूल ऑफ थॉट रोमन भौगोलिक विचारधारा, प्राचीन भारतीय अरेबियन, फिर इसके बाद आधुनिक। तो भूगोल के विकास के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो विषय के स्वरूप को हम देखते हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि भूगोल के विकास में जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया वो यूनानी लोग थे। तो यूनानी लोगों ने क्या किया कि संपूर्ण विश्व को, जो भूमंडल अपना है उस पर तापमान का जो वितरण दिखाया, वो तीन कटिबंधों में उसको दिखाने की कोशिश की, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे सुपन साहब, सुपन साहब ने बताया कि यूनानी लोगों ने जो तापमान का वितरण दिखाया है, जो कटिबंध दिखाया, उसमें अक्षांश को महत्वपूर्ण स्थान दिया। लेकिन वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता ये है कि तापमान के वितरण में अन्य कारक भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जैसे स्थल और जल का, स्थल जो जल हैं, स्थल और जल की स्थिति है वो प्रचलित पौने हैं,
महासागरी धाराएं हैं, पृथ्वी का गुरुत्व भी है, पृथ्वी की घूर्णन गति भी है, ये अनेक कारक हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ संशोधन परिवर्तन बताया और उस संशोधन को लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भौगोलिक विकास आगे बढ़ता गया, तो जैसे 1960 की दशक की तरफ हम बढ़ते हैं तो विज्ञान के साथ साथ भूगोल में काफ़ी विकास हुआ और उसमें शूपन का जो वर्गीकरण था उसमें संशोधन करके जो आधुनिक भूगोलवेत्ता हैं संपूर्ण विश्व को यानी पृथ्वी को या ग्लोब को 7 कटिबंधों में क्या किया, विभाजित कर दिया। तो एक तो 3 कटिबंध जो अपने पास आए उनकी हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद 7 कटिबंध हैं उनकी चर्चा कर लेंगे और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। अब इस आधार पर जैसे ये एक विश्लेषण दिया गया कि तापमान को हमें समझना है तो वो परिस्थिति हमें जो परिस्थितियां हैं तापमान से संबंधित या उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो समझ में आ जाना चाहिए। और तापमान अल्टीमेटली हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सूर्य से, और यही सौरिक ऊर्जा विभिन्न माध्यमों में चेंज होकर या परिवर्तित होकर वैश्विक जितनी भी क्रिया हो रही है उसको क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है, या एक तरह से माना जाए कि विश्व में होने वाली जितने क्रियाकलाप है अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सूर्यातप के ऊपर। तो उसके वितरण को, सूर्यातप के वितरण को जो तापमान के रूप में हमें प्राप्त हुआ उसके वितरण को हम समझने की आज यहाँ क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमें तापमान तो हमें पृथ्वी के ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ हम आ जाते हैं। तो दो हमारे पास ये सपोज दैट कि पृथ्वी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कि जो यूनानी भूगोलवेत्ता लोग थे शूपन के साथ साथ, तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को 3 कटिबंधों में विभाजित किया। नंबर 1 ये मान लिया हमने, ये विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा। इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं, क्या है ये, विषुवत रेखा। नाम क्या दे दिया इसको, इक्वेटर। अब इन विद्वानों ने क्या बताया, कि यहां से 23.5 अंश उत्तर, 23.5 मतलब 23.5 डिग्री, नॉर्थ एंड यह भी क्या हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये एक क्षेत्र हमारे पास है। तो इसको नाम इन्होंने क्या दिया, उष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया ये, उष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया हमने, उष्ण कटिबंध। ट्रॉपिकल जोन या रीजन,
ठीक, पुनः साढ़े 66 एंड 66 एंड हाफ डिग्री साउथ एंड 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ये जो भाग है अपना इसको नाम क्या दिया गया, शीतोष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया गया, शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या हुआ, शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन या रीजन कहाँ। और पुनः इसके बाद जो हम ये देख रहे हैं पूरा का पूरा ये क्षेत्र, सिक्सटी सिक्स से लेकर पोल तक का पार्ट जो है ये ध्रुवी प्रदेश है या ध्रुवी कटिबंध। क्या नाम देंगे, ध्रुवीय प्रदेश। पोलर रीजन या जोन। तो इस प्रकार से यूनानी लोगों ने क्या किया, ये वर्णन दिया, तो जिसमें सुपन साहब ने कहा उन्होंने अक्षांश को ज्यादा महत्व तो दे दिया, बाकी सब कारकों को इग्नोर किया। तो बाद में सुपन साहब ने कुछ संशोधन करके ये सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद एक आधुनिक जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण या इनका बंटवारा हमारे पास आया, तो जिसमें सात, कहने का मतलब सात जोन दिखाए गए, एक कॉमन होगा अगर दोनों तरफ से, जिसे यहाँ पांच जोन हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उष्ण कटिबंध ही क्या है, उष्ण कटिबंध कॉमन है दोनों गोलार्धों में, 23.5 उत्तर से लेकर 23.5 दक्षिण, फिर 23.5 से 66 स्थिति हम देख रहे हैं। तब हम इस ग्लोब पर हम क्या करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे और उनकी मूल मूल प्रवृत्ति को। तो इसको आप कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लिया होंगे, या तो आपके पास वीडियो जाएगी उससे आप कर लेंगे। अब इसको आप देखो, अब यहां हमने ले लिया, तो यहां पर हमने माना ये विषुवत रेखा है, 0 degree 0 degree। सात भाग में जो पहला जोन आएगा वो आएगा विषुवत रेखीय प्रदेश, इक्वेटोरियल जोन, जो दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा से आदर्शतः, दोनों गोलार्धों में आदर्शतः 5-5 degree तक क्या होगा, विस्तृत होगा, ने भूमध्य रेखा से 5 degree उत्तर और 5 degree दक्षिण। तो इसको हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, ये 5 degree उत्तर और 5 degree दक्षिण, ये पूरा का पूरा ये कॉमन क्षेत्र आ जाएगा दोनों में, इक्वेटर के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण। ऊपर नीचे ना बोले, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट क्या बोलता है मैप में, ऊपर और नीचे नहीं, ये उत्तर दक्षिण होता है। तो उत्तर दक्षिण में हमने देखा ये कि दोनों ये भाग क्या है, ये 5 degree उत्तर और 5 degree क्या हुआ दक्षिण। तो यहां हम ले लेंगे 5 अंश नॉर्थ और 5 अंश साउथ। अब ये क्या हुआ, इसका नामकरण हम करें तो ये हमें मिलेगा, क्या नाम दिया, विषुवत रेखीय प्रदेश, विषुवत रेखीय
रेखीय प्रदेश अर्थात इक्वेटोरियल रीजन। अब इनकी विशेषता भी बाद में करेंगे, पहले डायग्राम आप देखें और हो सके तो अपनी कॉपी में इस तरह से खींचते चलें। क्लियर। अब इसके बाद जो जोन आएगा 5 से 12, दूसरा जो प्रदेश आएगा दोनों गोलार्धों में 5 to 12 degrees, एक्सपेंशन कितना इसका होगा 5 to 12 degrees इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार हम देखेंगे 5 से 12 degrees अक्षांश के मध्य। तो इसको हम ऐसे लेते हैं, ऐसे पांच से बारह डिग्री, थोड़ी स्पष्ट करने के लिए करना पड़ेगा हमें, आप भी करें कलरफुल या इस तरह से पिक्टोरल कुछ साइन ले लेना आप। ये 5 to 12 degrees क्या है, विस्तृत है 5 to 12 degrees कहाँ साउथ और 12 degrees कहाँ नॉर्थ। अब इसको नाम हम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको हम नाम क्या देंगे, अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसका हम इंग्लिश जो पोर्शन इधर लिख दे रहे हैं, ठीक सेम है कॉमन है 5 to 12 नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 5 to 12 इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहां पर हम इसको ले लेंगे इंग्लिश में इंटर ट्रॉपिकल जोन या रीजन, इंटर ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर, हिंदी ऊपर ले लेंगे इंग्लिश नीचे ले लेंगे। थर्ड जो है, थर्ड जोन जो हमारे पास आ रहा है वो है ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन। कितना एक्सपेंशन लेंगे 12 to 25 degrees लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार 12 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य है, 12 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य है। तो यहां हम ले रहे हैं अब ये जो है हम थोड़ा ऐसे ले लें इसको, आपको समझने के लिए 12 से 25, ये कहाँ ले लेंगे 12 से 25 डिग्री लैटिट्यूड तक साउथ, और ये हो गया 25 डिग्री नॉर्थ।
25 डिग्री नॉर्थ। अब इसका नामकरण हम क्या करेंगे, 12 से 25 उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यानी कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय प्रदेश का मतलब ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, आराम से अपनी कॉपी पर भी नोट करते रहें आप, कर लेंगे। यहां हमने क्या लिया, ट्रॉपिकल रीजन, क्लियर, ट्रॉपिकल रीजन। अब पुनः नेक्स्ट पर हम जाएंगे तो इसका जो विस्तार है, जो नेक्स्ट रीजन आ रहा है या कटिबंध जो आ रहा है दूसरा, 25 से 45 एक्सपेंशन क्या होगा इसका, 25 to 45 इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार 25 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश तक है, और ये होगा सब ट्रॉपिकल जोन, कहने का मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश ये हम लेते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ब्लू कलर से हमने ले लिया, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसको इसे पिक्टोरल डायग्राम कुछ हमने दे दिया चित्रात्मक, क्रॉस कर दें आप, आपको समझने के लिए। क्लियर, ये कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल जोन। क्या नाम दे देंगे इसका, सब ट्रॉपिकल जोन। 25 से कितना, 45, 45 साउथ और यहां पर 45 डिग्री नॉर्थ। नाम क्या देंगे यहां पर, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, और यहां क्या लिख देंगे, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, क्लियर। अब 45 से 66.5 तक, हम जाएंगे, ये डार्क ग्रीन हमने लिया, ये अब इसमें जो है हम किसी दूसरे कलर से काम कर लेंगे आपको समझने के लिए, तो इसमें हम लेते हैं ये ऐसे कर दिया, ये है टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन हिंदी में क्या बोलते हैं,
शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, इसके बाद हम लेंगे ये ऐसे हमने कर दिया थोड़ा सा, ये जो है टुंड्रा है, लेकिन जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे तो टुंड्रा का जो वास्तविक विस्तार इधर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर लिया जाएगा टुंड्रा रीजन। इसको इधर मैं लिख दे रहा हूँ, टुंड्रा प्रदेश। ये कौन है? टुंड्रा प्रदेश। और जो रेड कलर का है ये है पोलर रीजन। ध्रुवीय प्रदेश, पोलर प्रदेश। अब ये एक प्रतीकात्मक डायग्राम दिया गया, ये नहीं कि नाप दिया जाए कि इतने अक्षांश पर, बस आपको समझने के लिए। अब आपने देखा कि ये क्या है, इक्वेटोरियल जोन, फिर इंटरट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और टुंड्रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 रीजन यहाँ आ गया, लेकिन कॉमन है अगर तो वास्तव में कितने हो जाएंगे, 6 इधर हुए, 6 इधर हुए, और 7th क्या हो गया, 7वां जो है कॉमन है, उभय है कॉमन है। इस तरह से इस तरह का देखा जाए तो 13 जोन आ गए, लेकिन वास्तव में कितने, 7। अब एक एक जोन की हमें विशेषता लेनी होगी।